हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर सेफ। माई सेल्फ कीर्ति चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशनरी। अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो ये हमारी यूनिट 3 की थर्ड क्लास जो है वो होने वाली है, यानी हमारी लास्ट क्लास है यूनिट 3 की। इसके बाद हमारी यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स, प्रिंसिपल्स इन द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, मीनिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड सम इम्पॉर्टेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम इस वीडियो में टीचिंग एड्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस जो है वो आज करने वाले हैं। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करें सबसे पहले टीचिंग एड्स की। तो इसमें सबसे पहले टीचिंग का आप मतलब समझ लेते हैं। तो आपको पता है टीचिंग इंटरेक्शन प्रोसेस है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। इंटरेक्शन जो है मतलब उसमें दोनों जो है वो पार्टिसिपेशन जो है दोनों का होता है, स्टूडेंट्स का भी और टीचर का भी, ठीक है। और जो इंटरेक्शन होता है वो क्यों होता है, वो अचीव करने के लिए होता है डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। वहीं अगर हम देखें एड्स, तो एड्स जो है वो समथिंग दैट प्रोवाइड्स हेल्प और सपोर्ट। टीचिंग के साथ जो चीज़ों का हम यूज़ करते हैं एक हेल्प एक सपोर्ट के लिए, उन्हें हम एड्स बोलते हैं। सिमिलर हैं टेक्निक्स के, ये ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं टीचिंग एड्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, टेक्निक्स, ये सब कुछ ऐसा सपोर्ट जो है वो काम करती हैं टीचिंग प्रोसेस में किसी भी लेवल पे, या चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, हर तरीके से, ठीक है। दस हम ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग एड्स हैं वो एड्स हैं जो हेल्प करते हैं टीचर को बनाने के लिए जो जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन्हें इजी बनाने के लिए, ठीक है, आइडियाज़ और थॉट्स को क्लियर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कोऑर्डिनेशन, इंटर रिलेट करके चीज़ों को, ठीक है। एड्स का मतलब ये है। कुछ अदर नेम्स जो हैं वो एड्स के हैं, जैसे ऑडियो एड्स हो गए, विजुअल एड्स हो गए, लर्निंग रिसोर्सेज, या फिर हम इंस्ट्रक्शनल या एजुकेशन मीडिया हम उन्हें कह सकते हैं, ऑडियो विजुअल मीडिया, या फिर एजुकेशनल कम्युनिकेशन मीडिया। तो ये कुछ और नाम हैं टीचिंग एड्स के। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू बर्लन, ऑडियो विजुअल एड्स को ही हम जो है वो टीचिंग एड्स में मानते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर वो इमेज हैं जो इनिशिएट करती हैं और स्टिमुलेट करती हैं और रीइंफोर्स करती हैं लर्निंग को, मतलब कि जो बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाने में मदद करती हैं, ठीक है, बच्चों को रीइंफोर्स करती हैं, बच्चों में एक एनर्जी जो है वो ले आती हैं, चीज़ों को समझने की क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिससे बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह जो है वो समझ पाते हैं चीज़ों को। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें कुछ एडवांटेजेस के बारे में टीचिंग की, तो टीचिंग एड्स जो है वो बेस्ट मोटिवेटर्स होते हैं। बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो इसमें वही बात कही गई है, क्लियर इमेज जो है बच्चों के मन में बन जाती है चीज़ों की जब वो नई नई चीज़ें जो है वो करते हैं, खुद से जो है वो करते हैं, तो एक क्लियर इमेज उनके सामने बन जाती है जब वो चीज़ों को जो है हियर कर पाते हैं, सी कर पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, टच कर पाते हैं, तो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होती हैं, वैरायटी मिल जाती है उन्हें। टीचिंग एड्स ऐसा तो है नहीं एक टीचिंग एड है, तो उन्हें वैरायटी जो है वो मिल जाती है, ठीक है, जिससे कि उन्हें और ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना। वैकेरियस एक्सपीरियंस होता है, एक अलग एक्सपीरियंस जो है वो उन्हें सीखने को मिलता है, खाली थ्योरेटिकल से कुछ अलग हटके उन्हें सीखने को मिलता है, ठीक है। तो सेव एनर्जी एंड टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है, हेल्पफुल होता है फिक्सअप करने में, नई लर्निंग को, नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं इसके थ्रू, हेल्प करता है अट्रैक्ट करने में अटेंशन, ठीक है, अटेंशन ग्रास्प कर लेता है ये बच्चों की। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन, इसका मतलब ये है कि जो भी टीचिंग एड हमें जो है वो सेलेक्ट करना है वो काफ़ी सोच समझ के करना होगा। ऐसा नहीं है हम के कोई एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हैं और हम कुछ भी एड उसमें यूज़ कर रहे हैं, हमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द कहें कुछ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही हमें टीचिंग एड्स जो हैं वो डिसाइड करने होते हैं। और या फिर और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एज लेवल, ग्रेड लेवल जो है देखना पड़ता है, ठीक है, स्पेसिफिक एजुकेशनल वैल्यू कुछ चीज़ों की देखनी पड़ती है, ठीक है, सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही हम कोई सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। बात करें प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे कि मतलब जो लोकल अवेलेबल मटेरियल है उसी से जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें हो जाएं। टीचर को जो है वो कुछ रिसीव करनी चाहिए कुछ ट्रेनिंग प्रिपरेशन के लिए एड्स की, टीचर जो है वो अपने आप कुछ जो है प्रिपेयर करें एड्स के लिए, मतलब
स्टूडेंट्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं प्रिपरेशन ऑफ एट से, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का कि जो भी कर रहे हैं वो सूटेबल होनी चाहिए बच्चों के हिसाब से। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, अब जो चीज़ें बच्चों के सामने आ रही हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेस्ट वे में जो है टीचर को प्रेजेंट करनी चाहिए चीज़ें, उससे पहले टीचर को जो है एक बार प्रैक्टिस जो है वो कर लेनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स, टीचर जो है वो ऐसी चीज़ें जो है बच्चों को बताएं जिससे कि बच्चे जो है वो रिस्पॉन्स करें, चीज़ों को समझें और समझने के बाद रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, जिससे कि उनकी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो और उन्हें चीज़ें समझ में आ जाएँ। प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन, सब कुछ होने के बाद एक इवेल्युएशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी उन्होंने ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू जो भी पढ़ाया उसका रिजल्ट क्या निकला, बच्चों को कितना समझ में आया कितना नहीं आया। तो बेसिकली यहाँ पे मूल्यांकन करना जो है वो हम इसे कह सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, तो कुछ बात कर लेते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी ये ऑप्टेन करने में, ठीक है, एक्सपेंसिव भी होता है, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत भी पड़ जाती है, थोड़ा प्रिपरेशन की। हम इसे रिपीटेडली यूज़ नहीं कर पाते, नॉट ड्यूरेबल, ड्यूरेबल भी नहीं है और इजीली डैमेज भी ये हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो ये जो इमेज मैंने आपके लिए लगाई है इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारे तरीके की जो है वो एड्स हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है तब भी मैंने आपको लगा दी हैं ताकि आप देख पाएँ, जैसे प्रोजेक्टेड एड्स हो गई, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हो गई, एक्टिविटी एड्स हो गई, सब में अलग अलग चीज़ें हैं। नॉ प्रोजेक्टेड एड्स की बात करें तो जैसे फिल्म्स और फिल्म प्रोजेक्टर हो गए, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, स्लाइड्स, एपिस्कोप, OHP, टेलीविजन, LCD प्रोजेक्टर, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ग्राफिक एड्स, डिस्प्ले बोर्ड, 3D इमेज, ऑडियो इमेज, ग्राफ्स, डायग्राम्स, पोस्टर्स, ब्लैक बोर्ड, रोल अप बोर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। एक्टिविटी एड्स की बात करें जैसे फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सर्शंस, एग्जीबिशंस, डेमॉन्स्ट्रेशन, ड्रामेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें जितनी भी स्कूल में जो है वो करवाई जाती हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए दे दिया है क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे बना के आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ ही एक्सप्लेन करना हो, पर अगर एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आता है तो अगर आप ये क्लासिफिकेशन जो है करके आते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है वो आपको मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी जो सिलेबस में है उन्हें तो हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू विजुअल एड्स है, ऑडियो एड्स हैं एंड ऑडियो विजुअल एड्स हैं। तो विजुअल एड्स में अगर बात करें तो इसमें कुछ दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखते ही जो है वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है, और कुछ जो थोड़ी अलग से हैं वो मैं आपको समझा दूंगी। जैसे पिक्चर्स, आप सबको पता है विजुअल एड्स पिक्चर्स, हम सबको ही पता है टेक्स्ट बुक में जो भी पिक्चर्स होती हैं या फिर अलग से अगर हम कोई पिक्चर देखते हैं तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, तो एक अच्छी एड जो है वो हम मान सकते हैं विजुअल एड पिक्चर को। मैप्स के थ्रू हम चीज़ों को समझ लेते हैं, सिंपल मैप्स, इसके बारे में भी आपको पता है। ग्राफ्स के अकॉर्डिंग हम कोई डेटा निकाल सकते हैं, कुछ डेटा जो है हम डिपिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये भी एक हुआ। बात करें फ्लैनल बोर्ड की तो ये कुछ अलग है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या होता है, तो फ्लैनल बोर्ड में बेसिकली होता है कि लिखने की बजाय चीज़ों को, जैसे चार्ट पेपर हो गया, कोई सैंड पेपर हो गया, कॉटन पेस्टेड कोई पेपर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो लगाई जाती हैं, उसके थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो फ्लैनल बोर्ड में हम ये सब यूज़ करते हैं। ब्लैक बोर्ड आप सबको पता है, जो सिंपल चॉक एंड डस्टर से जिस पर काम करते हैं हम, सिंपल जो टीचर हमें पढ़ाते हैं वो हमेशा ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं। एपीडियास्कोप की अगर हम बात करें तो एपीडियास्कोप में जो है वो बेसिकली स्लाइड्स और ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं बच्चों को चीज़ें समझाने में, ठीक है। इसे हम बेसिकली जो है वो यूज़ करते हैं डार्क रूम में, ठीक है, लाइटेड रूम में भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट डार्क रूम में जो है हम इसे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों का जो है वो इंटरेक्शन होता है। स्मॉल पिक्चर्स और स्मॉल डायग्राम जो है वो प्रोजेक्टेड की जाती हैं लार्ज साइज में, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं लर्नर को, ठीक है ना। इसमें हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं पिक्चर्स लार्ज साइज पे स्क्रीन पे और फिर उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को। ये एक फंक्शन करता है सपोर्टिंग डिवाइस क्लासरूम में, ठीक है, टीचिंग स्टूडेंट इंटरेक्शन के बीच में प्रोवाइड कराता है एक डीप एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्यूरेट डायग्राम्स और फिगर्स जो है वो साइंस की हम उस पे जो है वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एपीडियास्कोप ये है। फिल्म स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ सीरीज जो है वो होती हैं पिक्चर्स की, जैसे 24 to 48 फ्रेम्स जो है वो अरेंज किए जाते हैं सीक्वेंस में, ठीक है,
उनके काफ़ी सारे फंक्शंस, डिस्कवरीज, उसके बारे में जो है रिलेटेड चीज़ों के बारे में जो है बताया जाता है। कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड पिक्चर जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रेम की जाती हैं, ठीक है, अरेंज की जाती हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आप सबको पता है आजकल स्कूल्स में प्रोजेक्टर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, उसमें हम ऑडियो के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, विजुअल्स के थ्रू भी जो है वो हम उसे पढ़ सकते हैं। ऑडियो एड्स की बात करें तो रेडियो आप सबको पता है भी, लॉकडाउन में भी कुछ रेडियो चैनल्स पे जो है वो एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाई गई थी पुअर चिल्ड्रंस को, ठीक है। टेप रिकॉर्डर, वायर रिकॉर्डर, वायर के थ्रू उसमें जो है चीज़ें जो है कनेक्ट की जाती हैं, फिर आवाज़ें जो हैं वो उसमें से आती हैं। ग्रामोफोन, ऑडियो विजुअल एड्स की बात करें तो टेलीविज़न आप सबको पता है ऑडियो विजुअल एड है, एक ओवरहेड प्रोजेक्टर की अगर हम बात करें तो ये फिल्म प्रोजेक्टर की जगह तरह जो है सिमिलर जो है उसमें होता है, इसमें हमें ऑडियो भी सुनाई देती है और विजुअल्स जो है हमें इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है, लाइट वेटेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। बात करें मोशन पिक्चर की, इसके थ्रू जो है वो एजुकेशनल या फिर एंटरटेनमेंट फिल्म्स जो है वो दिखाई जाती हैं, ठीक है। इसे हम फर्दर जो है वो जनरल एजुकेशनल फिल्म्स और क्लासरूम फिल्म्स में जो है हम इसे सब डिवाइडेड कर सकते हैं। तो क्लासरूम फिल्म्स जो है वो करिकुलर सब्जेक्ट्स पे जो है वो बेसिकली दिखाई जाती हैं, और एजुकेशनल फिल्म्स जो हैं जो उन्हें डिवर्ट किया जाता है वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या अबनॉर्मल बिहेवियर इन सब को हटा के एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सब उसमें दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो टीचर जो है वो चूज़ कर सकते हैं गुड फिल्म या फिर क्रिटिकल जजमेंट वाली जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिले, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो मतलब विजुअल एड्स का हम सिंपल मतलब अगर समझें तो जिसमें खाली चीज़ें दिखाई देती हैं, ऑडियो एड्स जिसमें खाली चीज़ें हमें सुनाई दें, एंड ऑडियो विजुअल एड्स में हमें चीज़ें दिख भी रही हैं और सुनाई भी दे रही हैं, ठीक है। चलिए अगर हम अब बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो को करिकुलर एक्टिविटी आप सबको वैसे तो पता ही होगा पर फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो पढ़ाई के साथ साथ हमें स्कूल में कराई जाती हैं, ठीक है, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है जिससे लर्नर जो है वो एक्सप्लोर करता है, ठीक है, उसकी एबिलिटी बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ्स बढ़ती है, वो इरेडिकेट करता है अपनी शॉर्ट कमिंग्स, उसकी जितनी भी कमियाँ होती हैं वो उन्हें ओवरकम करता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन द क्लासरूम लर्निंग एज वेल एज अदर एक्टिविटीज़ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो अगर हम आगे चल के बात करें कुछ टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो अकेडेमिक होती हैं, कुछ अकेडेमिक में आपका वही सब आ जाता है, डांस हो गया, एनुअल फंक्शंस हो गए स्कूल में जो हो जाते हैं, ठीक है। एस्थेटिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आ गई, कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आ गई, इमोशनल डेवलपमेंट, लेजर टाइम में जैसे हॉबीज़ वगैरह से रिलेटेड, लिटरेसी डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, ठीक है, ये सब आ जाता है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, साइंटिफिक टेम्परामेंट, स्पिरिचुअल, मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। पॉसिबल नहीं है कि सारी एक्टिविटीज़ आपको एक स्कूल में एक जगह पर मिल जाएँ, बट हाँ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ का जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके, स्कूल स्पिरिट और जो मोरल है वो बच्चे का बढ़ता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू, उसका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट या हेल्थ जो है वो बढ़ती है, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उसका जो है वो होता है, नए लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो सीखता है, नई लर्निंग सीखता है, वाइडनिंग स्टूडेंट कॉन्टैक्ट उसका जो है कॉन्टैक्ट बढ़ता है, वो अपने आइडियाज़ को जो है वो एक्सप्लोर करता है और लोगों से मिलता है, ठीक है, चीज़ें जो है वो शेयर करता है लोगों के साथ। इम्प्रूवमेंट ऑफ करिकुलम, इम्प्रूवमेंट आता है करिकुलम में, एक सिंपल पढ़ाई से हट के कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड करती हैं, ठीक है। गुड प्रिंसिपल की बात करें तो डेमोक्रेसी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमारे पास चॉइस होती है हम किसी एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हम उस पर कर सकते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी हमें मिल जाती है, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी वही डाइवर्सिटी मिल जाती है हमें, कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो ऑब्वियसली हर जगह होती हैं, ऐसा नहीं आप कहीं भी जाएंगे खुला खेलेंगे। तो मोटिवेशन एक मिल जाता है बच्चे को, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जब वो करता है तो मोटिवेट होता है और अच्छी चीज़ें करने की जो है वो कोशिश करता है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इन चीज़ों में काफ़ी वाइड होता है, बच्चे पसंद करते हैं इन चीज़ों को। तो ये था इस वीडियो में करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया।
अगर आपको पेपर में आएगा तो आपको जितना कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप हो सके आप इन चीज़ों को जो है लिखिए, ठीक है, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो चलिए इसी के साथ हमारे यूनिट थर्ड जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम अपनी स्टार्ट करेंगे यूनिट फोर्थ, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको PDF चाहिए सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।